गैस को मैंने कम कर दिया है बिल्कुल सिम पे। अब पकोड़े हमारे निकल रहे हैं, और ये पकोड़े हमारे मिस्टर बग्गा निकाल रहे हैं। इसको टेढ़ा तो कर दे। हमने तीन चार तरह के पकोड़े बना लेने हैं। फिर से नमक लगा दिया इसमें। अब बैंगन के बनाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज मैं कद्दू के पकोड़े बनाने वाली हूँ। कद्दू यानी कि लौकी। लौकी के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, और मेरे मिस्टर बग्गा यानी कि सुमित को भी अच्छे लगते हैं, अभी को भी अच्छे लगते हैं। चलिए आज उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ जी गाइस, आज मैं लौकी के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने अभी छीलना है, धो लिया है, छील लेती हूँ। और इसके लिए हमें 2 कटोरी बेसन चाहिए होगा। और सबसे पहले तो इसको मैंने मिक्सी में पीसना है। 5 हरी मिर्ची है, 6 है शायद, हाँ 6 है, और थोड़ा सा लहसुन है। ज़्यादा ही लग रहा है लहसुन, नहीं लहसुन आता है फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में, मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। ये सारा लहसुन मैंने डाल देना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, अब इसमें भी बता रही हूँ। छोटे छोटे इसके पतले पतले ये छिलके होते हैं ना, तो फिर छिले नहीं जाते। बस इसकी आगे और पीछे वाली साइड हमने काट देनी है। ये साइड में निकाल देना सारा। ये फटाफट मिक्सी में एकदम चूर हो जाएंगे। हो गया। अब इसको हम छीलते हैं। हमने आधे कद्दू के बनाने, ज्यादा नहीं बनाना हमने। ये देखो कहीं से भी टूटा नहीं, और डिजाइन वाले सारे तैयार हो गए हमारे। ये गोल गोल हमने काटना है इसको। ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। ये पहले वाला था इसलिए थोड़ा सा मोटा कट गया, अब नहीं कटता। इसमें हमने नमक डालना है ताकि इसमें सारा नमक रच जाए, तभी हम पकोड़े, नहीं तो अगर पकोड़े खाएंगे तो कद्दू में सारा ना घी में सारा फीका फीका आएगा। बेसन में तो नमक लगेगा बट इसमें नहीं लगेगा, इसीलिए इसको हमने नमक डाल देना है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची बस। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे, सारा नमक ये अब्जॉर्ब कर ले बस। हाथ नहीं लगाऊंगी, हाथ में बहुत मिर्ची लगती है मेरे। दस मिनट के लिए इसको साइड में। 1 कप बेसन मैंने ले लिया, ओ सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, कप है, हाँ जी कप ही बोलते हैं, दूसरा कप। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच भर के नमक, ज्वैन 1 चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, हिंदी इंग्लिश दोनों बीच में ही बोलती रहती हूँ मैं भी, सॉरी गाइज, कभी कभी होता है। अब ये सबको मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ। 2 हरी मिर्च, 3, 5 हो गई, ये हो गई, ये हमारा थोड़ा सा लहसुन गया, और ये हमारा थोड़ा सा पानी। अब
तैयार हो गया हरी मिर्ची लहसुन का। देखो इसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे, आ रहे हैं। ये जो हमने मसाला बनाया है ना लहसुन और हरी मिर्ची का, ये हमने इस बैटर इसमें डाल देना है, पकौड़े के बेसन में डालना है हमने। सारा इसमें लगा हुआ है ना, क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ हो गया, आ गया ना। लाल मिर्ची हमने इसमें नहीं डाली है, थोड़ी सी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। अब करते हैं इसको मिक्स, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा इसका घोल तैयार करते हैं। थोड़े अच्छे से इसको बीट करेंगे ताकि हमारे पकौड़े ना फूले फूले बने। कप भर के मैंने पानी डाला था, यानी कि सवा कप हो गया, आधा से आधा अभी मैंने डाला है बस, ये और बस डेढ़ कप पानी पड़ गया, दो कप बेसन में डेढ़ कप पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम खटास के लिए अनारदाना। नींबू डाल सकते हो, अमचूर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। एक चम्मच बैटर, अभी भी मुझको गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा, एक घूंट यानी कि दो चम्मच मैंने पानी डाला। अच्छे से इसको चलाना है 5 मिनट तक, एक ही साइड पे। इतने फूले फूले पकौड़े बनेंगे ना, आप देखना। कढ़ाई मैंने रख दी थी, तेल हमारा बहुत धुएं मार रहा है, 2 मिनट के अंदर मैंने सिम किया है ताकि ये पकौड़े हमारे जले ना। एक एक करके हमने इसको अलग अलग डालना है। देखो गाइस इसमें डाल रही हूँ, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाई फ्लेम कर दिए मैंने, हाई से थोड़ा सा कम, फुल फ्लेम नहीं किया मैंने। देखो जी फूल रहे हैं ये, गैस को मैंने कम कर दिया है बिल्कुल सिम पे, अब पकोड़े हमारे निकल रहे हैं और ये पकोड़े हमारे मिस्टर बग्गा निकाल रहे हैं।
इसको टेढ़ा तो कर दे। हाँ साइड कर ऐसे और करके। ठीक है, तेल तो लाना चाहिए नहीं बॉटल तेल में, नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ग्रीस आती है। नहीं ग्रीस हमने ये तेल की नहीं ग्रीस खानी। ठीक बता देते, मैंने ऑलिव ऑयल में बनाए हैं और आप सरसों तेल में बनाना, रिफाइंड थोड़ा अच्छा नहीं होता बनाना खाना, सरसों तेल में ही कुछ भी पकौड़े नहीं, वकोड़े किसी बनाया में भी करो। बना सकते हैं, है किसी में भी बना सकते हाँ कभी कभी सब कुछ खाना चाहिए, पर कभी कभी, हमेशा नहीं। अब देखो कितने कुरकुरे बने हैं। फोक से करूं? फोक से दिखाती हूँ। और कितने फूले फूले बने हैं ऐसे, नहीं रगड़ के दिखाया जाता है। ऐसे। लो भाई रगड़ भी देती हूँ। सार सबको रगड़ दिया मैंने। तोड़ के दिखाना है अब? हाँ दिखा दो। तोड़ के भी दिखा देते हैं। ओए होए बहुत गर्म है। ये देखो टेस्टी बनते हैं। अब फिर से बनाने लगी। वो तो मिस्टर बग्गा ले गया, उसे भूख लगी थी बहुत तेज। मिस्टर बग्गा किचन, उसका भी एक चैनल है, स्वाति भामरा का भी है, आरव भामरा का भी है, मेरा भी है यार, मेरा भी चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। मेहनत तो करती हूँ, धीरे धीरे सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ऐसे ही आप पता है बैंगन के भी बना सकते हो, बैंगन के, आलू के, प्याज के, बहुत सारे, तो अरबी के पत्ते के भी बनाते हैं। कोई ना अरबी के पत्ते अगर मिलने लगेंगे तो उसकी भी बना दूंगी। फ्लेम तेज पे। ज्यादा हम अगर सिम कर देंगे तो इसमें ऑयल ऑयल सारा भर जाएगा। अब एक और बात बताती, ये देखो बैंगन लाया मैंने, उतनी देर ये बन रहे हैं, उतनी देर में बैंगन को कर लेती हूँ। ये साइड में ना बैंगन को भी ऐसे ही काटना है, इसका छिलका नहीं उतारना हमने। गोल बैंगन ले लिया है, पकौड़े ज्यादा इसके ही अच्छे लगते हैं, वो भरते वाले बैंगन के तो अच्छे नहीं लगेंगे, लग सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, आजकल वो आ नहीं रहे। ये देखो इसमें भी हमने नमक डाल देना है, मिर्ची तो ऑलरेडी सब में डली, मिर्ची नहीं डालने वाली इसमें। और अब एक आलू ले लिया मैंने, आलू को भी ऐसे ही कट कर लेते हैं। इसी बैटर में हमने तीन चार तरह के पकोड़े बना लेने हैं। फिर से नमक लगा दिया इसमें। अब बैंगन के बनाएंगे। हो गए हमारे ये बैंगन, सॉरी घीये वाले कद्दू वाले, इस पे चाट मसाला छिड़क के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अब बैंगन डालते हैं इसमें।
शाम को चाय के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। नाश्ते में तो थोड़े हैवी हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह तेल सही नहीं होता खाना, पर कभी कभी चलता है, कभी कभी खा सकते हो। ये देखो, दो कटोरी बेसन में बहुत सारे बन गए। अब देखो, ये बैंगन वाले मैंने निकाल लिए। अब आलू वाले, आलू को गलने में टाइम लगता है इसलिए इसको हम मीडियम पे बनाएंगे। तुम्हें क्यों वेट कर रहे हो? आलू वाले भी निकाल लिए मैंने। गाइज, आपको पीछे से मंदिर की आवाज आती होगी, मंदिर में भजन शाम को, सुबह शाम भजन बजते हैं ना, तो उनकी आवाज आ रही है, इग्नोर कर देना। वैसे भजन सुनना बहुत अच्छी बात होती है। अरे, घर के बिल्कुल सामने मंदिर है। अच्छा देखिए, अब ये आलू के हैं, कितने कुरकुरे बने हैं। बीट करने से ना और कुरकुरापन आ जाता है। और देखिए, ये पूरे पकोड़े में ना चिपकता नहीं है, बेसन फूला रहता है। ये देखें, आलू का है, बहुत गर्म है। ये आलू वाला है, ये बैगन वाला है, ये देखें, और ये है हमारा घीये वाले यानी कि कद्दू वाले। ये देखो, कद्दू कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखो कद्दू वाले। आप ये ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सॉस लेना, आप सॉस भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो सॉस कम खाई जाती है, ग्रीन चटनी ज्यादा बनती है हमारे यहाँ। आप भी बनाएं, बताएं मुझको कैसे बने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझको। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू।